नमस्कार, प्रतिमास किचन में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ये ओडिशा फेमस मटर चाट है उसका रेसिपी आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही चटपटा है और हेल्दी भी है क्योंकि इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं डाला है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने पहले मटर लिया है। मटर को मैंने इसे रात से भिगो के रखी हुई है, इसको मैं बॉईल करूँगी। और यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, एक प्याज लिया है मीडियम साइज का। और खीरा लिया है, कुकुम्बर, एक कुकुम्बर का मैंने आधा लिया है। और यहाँ पर मैंने टमाटो लिया है, एक छोटा सा टमाटो लिया है। ग्रीन चिल्ली लिया है, कैरेट लिया है, कैरेट भी मैं एक कैरेट का आधा लिया है। यहाँ पर मैंने मिक्सचर लिया है। मसाला में मैंने लिया है भुने जीरे का पाउडर लिया है, चाट मसाला, रेड चिल्ली पाउडर, ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद नहीं रेड चिल्ली, क्योंकि हम ग्रीन चिल्ली यहाँ पर लिया है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सॉल्ट लिया है, धनिया पत्ता लिया है, और यहाँ पर मैंने पिंक सॉल्ट लिया है। आप चाहो तो ब्लैक सॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब हम पहले ये मटर को बॉईल करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है। ये जो मटर है इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए, अब मैंने मटर को इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें वाटर डालूँगी, पानी डालूँगी। ये देखिए, पानी इसमें हम ज़रूरत के अनुसार डालेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। और अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालूँगी। अब मैं इसको ढक्कन लगा के गैस पर ढक्कन लगा दिया है। अब मैं इसको गैस पर चढ़ा लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑन कर लेती हूँ। अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर लेती हूँ। जब तक सीटी चला ना जाए तब तक हम ऐसे ही रहने देंगे। इसका जो गैस है पूरा निकलने के बाद हम इसको खोलेंगे। ये देखिए, अब मैं इसको निकालती हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मटर को हमें ऐसे ही पकाना है ताकि ये ज़्यादा ना पके। हाथ से मैं इसे दबा के दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखिए इतनी अच्छी तरह पका है। अगर ज़्यादा पकाएंगे तो वो करी जैसा, करी के लिए परफेक्ट होगा, लेकिन ये चाट के लिए अच्छा है। इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया है। ये देखिए, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल दूँगी। ये देखिए, और अब हम चाट बनाना शुरू करते हैं। चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ओनियन, थोड़ा सा चॉप्ड ओनियन डाल रही हूँ, चारों ओर से स्प्रेड करके डाल रही हूँ। और थोड़ा सा खीरा डाल रही हूँ इसमें। खीरे को सब ऐसे ही हमें चॉप करके डालना है। थोड़ा सा टमाटो और थोड़ा सा गाजर डाल देती हूँ। ये बहुत ही हेल्दी है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्रीन चिली डाल रही हूँ। और बाकी का जो है मैं इसे रख लेती हूँ। और अब मैं यहाँ पर देखिए, मैं पाउडर, मसाला पाउडर लिया है, भुने जीरे का पाउडर डाल रही हूँ। और थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला
दिया है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिक्सचर लिया है, मिक्सचर को मैं इसे ऊपर से डालूँगी। अगर आपके पास पतला सेव है तो उसको भी डाल सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर मैं मिक्सचर दे रही हूँ, मेरे पास मिक्सचर ही था। और अब मैं इसमें जो पिंक सॉल्ट लिया है उसको मैं चारों ओर से थोड़ा थोड़ा करके स्प्रेड करती हूँ, और थोड़ा सा धनिया पत्ता। धनिया के पत्ते जो होते हैं उसके बिना ये रेसिपी पूरा अधूरा है, क्योंकि उसका फ्लेवर इसमें आएगा तो और भी इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक लेमन लिया है, अगर आपको लेमन पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा पसंद है तो मैं लास्ट को ये ले लिया। ये देखिए, मैंने दो पार्ट में कट कर लिया है, और इसका जो जूस है उसको मैं स्क्वीज कर रही हूँ। और ये बहुत ही चटपटा लगेगा लेमन के साथ, नहीं तो आप इमली का जो पल्प है उसको भी दे सकते हो। और अगर खट्टा आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको टमाटो भी डाला है उससे भी अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।